जिंदाबाद। सैक्टर 9 दे यूटी सैक्टरीएट दे विच बुधवार नूं माहौल बेहद गर्म रहा। 28 कर्मचारियों नूं नौकरी तो कट जाने दे विरोध दे विच कई कर्मचारी पुराने सैक्टरीएट पहुंच गए। नाराज कर्मचारियों ने इत्थे धरना देना शुरू कर दिता ते नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान सैक्टरीएट तो बाहर निकल रहे एक अधिकारी नूं देख के उह भड़क गए। कहा जाता है कि SDO दे नाल मारकुट की गई। इस घटना तो बाद इंजीनियर भी भड़क गए ते उन्होंने भी सैक्टरीएट दे बाहर मुजहरा शुरू कर दिता। उस तो बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस दे विच शिकायत दर्ज कराई गई जिस तो बाद क्रॉस FIR दर्ज कर लिती गई है। सैक्टरीएट विच सवेर तो लैके शाम तक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नौकरी तो कढे गए कर्मचारियों नूं दोबारा काम ते रखण लई ओह प्रदर्शन कर रहे सी। इस तो बाद इन्हां दा अधिकारियों दे नाल झगड़ा भी हो गया। यूनियन प्रधान रंजीत मिश्रा की अगवाई हेठ यह प्रदर्शन किया गया। रंजीत मिश्रा का कहना है कि नवे सैक्टरीएट सैक्टर 9 दे विच काम कर रहे सफाई कामे पिछले एक महीने तो उन्होंने कट दिता गया। इस तो बाद उन्होंने नौकरी ते नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि इस करके कर्मचारियों दे विच काफी रोष है और इस दे लई उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों नूं दोषी दसिया। अब मामला सर, ये सेक्रेटरिएट वाला बिल्डिंग है जो अभी न्यू सेक्रेटरिएट बनी है, वहाँ का मसला है। तकरीबन 5-6 महीने से ये मसला चल रहा है। वहाँ पे करीब 28 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगे हैं, जिनसे इन्होंने न्यू बिल्डिंग में, आपको पता है जब नई कोई बिल्डिंग ओपनिंग होती है तो उसमें कितनी मेहनत होती है। यहाँ तक कि इन 28 कर्मचारियों को मार्च 2023 का सैलरी भी नहीं दिया गया। उसके बाद भी कर्मचारी बड़ी इज्जत से अपनी सफाई का काम करते रहे हैं। और कोई भारत इलेक्ट्रिकल नाम से इन लोगों ने ठेका दिया हुआ था जो पुराना चल रहा था। एक साल पूरा होने के बाद कर्मचारियों को निकालने के लिए इन्होंने नया एक षड्यंत्र रचा। एक्सटेंशन देने के बजाय उसको ये बोल दिया कि ठेका खत्म हो गया, आप घर जाइए, जब ठेका हो जाएगा आपको बुला लेंगे। उसके बाद इनका विडंबना देखिए सर, कि उसी बंदे को जिसके नाम से पहले ही कंप्लेंट चल रही है, उसने आज तक कर्मचारी को एक भी छुट्टी नहीं दिया 1.5 साल के समय के बीच में। और कुछ अपने जो चहीते हैं उनको ये घर में भी भेज भेज के काम करवा रहे हैं, उनकी पेमेंट यहाँ से निकल रही है लेकिन वो यहाँ काम नहीं करते। कुछ ऐसे भी नाम है जो नाम कोई काम और कर रहा है, पेमेंट किसी और के खाते में जा रही है। उसका लेबर कोर्ट में विचाराधीन है, वहाँ पर न्याय मिल जाएगा कर्मचारी को। लेकिन यहाँ जो इनका अमला जामा है, जैसे शिव कुमार कुकरेजा जी हो गए, उनके कोई खास हैं बलजिंदर सिंह चहल जी वो, और अर्शदीप जेई, और एक मुंशी है सर वहाँ पे जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। लेकिन उसका मैं आपको कार्यशैली बताऊँ, 2 साल से वहाँ इस बिल्डिंग में लगा हुआ है, वो यूपी बिहार कहीं का रहने वाला है, वहाँ एक एक महीने छुट्टी काट के आता है लेकिन उसकी सैलरी यहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ कर्मचारी अगर अपनी माँ बाप की कोई बीमारी में भी अगर एक दिन के घंटे की छुट्टी ले लें तो उसकी पेमेंट काट ली जाती है। मतलब सब कुछ हवा में चल रहा है और उस बिल्डिंग में चल रहा है सर, देवा तले अंधेरा, जहाँ से रूल रेगुलेशन निकलता है और पूरे चंडीगढ़ के हर कर्मचारियों की सुरक्षा होती है, जिस बिल्डिंग में एडवाइजर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, पर्सनल सेक्रेटरी साहब, सारे HOD चंडीगढ़ के बैठे हुए हैं, जिसके रूल के तहत चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हो रही है। लेकिन उस बिल्डिंग में करप्शन हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, वो कहाँ जाए सर। मेरे जैसा जो कोई नुमाइंदगी इनका करता है उसको फ़ोन पर गालियाँ तक निकाली जाती है। कल बलजिंदर चहल जी ने एक्सियन साहब के फ़ोन से मेरी बात हुई है, एक्सियन साहब के फोन पे मेरी बात हुई है, यहाँ मैं आया था मिलने के लिए आया था यहाँ पे। और जब एक्सियन साहब को मैंने फ़ोन मिलाया, क्योंकि यहाँ पे ओझा साहब भी नहीं मिले, ना ही एक्सियन साहब मिले, ना कोई SC यहाँ पे मिले, रजेश बंसल जी भी नहीं थे, ना जिगना मैडम, कोई भी नहीं मिला। तो मैंने एक्सियन साहब कुकरेजा जी को फ़ोन मिलाया, शिव कुमार कुकरेजा जी को, उन्होंने बात करते करते फ़ोन पकड़ा दिया बलजिंदर चहल जी को। और बलजिंदर चहल जी का रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो आप लोगों को दूंगा मैं, वो साफ शब्दों में कहते हैं किसी भी हाल में बंदा नहीं रखा जाएगा और हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि पुराने कर्मचारी हैं, आपको रखना पड़ेगा। कहते हम नहीं रखते, तुम लोगों को जो करना है करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ अपशब्द जो बोले हैं वो मैं रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा। उन्होंने गाली तक दिया और चैलेंज भी किया कि तू कहाँ है, मैं वहीं आ रहा हूँ, तू रुक वहाँ पे, मतलब इस तरीके का मिसबिहेव। और जब शिव कुमार कुकरेजा जी से मैंने पूछा कि सर आप फ़ोन पकड़ा के गाली दिलवा रहे हैं, तो वो हंस रहे थे। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और आपके माध्यम से आज मैं ऐलान करता हूँ
कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब हमारे जैसे जो कर्मचारियों को नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको गाली दी जा रही है, तो कर्मचारियों का ये क्या हालत करते होंगे ये तो आप समझ सकते हैं। आज मैं आपके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, एडवाइजर साहब से विनती करूंगा, मैं विजिलेंस और सीबीआई की जांच भी मांगूंगा। एक इनका 625 नंबर हाउस है सेक्टर 20A में, शिव कुमार कुकरेजा एक्सचेंज जी का, आज मैं खुले मंच पे चैलेंज कर रहा हूँ, इसके इनकी जांच करवाएं। जो 32 सेक्टर ट्रॉमा सेंटर का बजरी, सीमेंट, रेता और ईंट तक लगी हुई है, इनके घर का ईंट उखड़वाएं और ट्रॉमा सेंटर का ईंट उखड़वा के उसमें जांच करवाएं, और दोनों सीमेंट, बजरी, रेता सब कुछ सेम मिलेगा। इतनी बड़ी करप्शन, और उसके मालिक जो वहाँ के इंचार्ज थे वो राजेश बंसल जी हैं। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि देश का कोना कोना ये देखे, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं साबित नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अंदर कर दे, और अगर साबित कर दिया तो शिव कुमार कुकरेजा जी को अंदर करें। ऐसे जब ये एक्सियन साहब इस तरीके करप्शन कर रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंग का मटेरियल से, 32 हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के मटेरियल से उनका घर बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि JESDO जो ये काम कर रहे हैं इसका मतलब कि कमाऊपुत हैं। ये एक्सियन साहब भी कहीं ना कहीं, और हमारे चीफ साहब भी, और जब से ओझा साहब आए हैं तब से करप्शन का यहाँ ढेर लगा हुआ है। पुराने कर्मचारी निकालो, नए कर्मचारी रखो, मोटी पैसे इनसे लो, और जो कर्मचारी सेक्रेटरिएट के लगे गए उनसे भी किसी से 60, किसी से 80, किसी से लाख लेके लगाया गया था। आज उनका टर्म पूरा हो गया, एक डेढ़ साल से उन्होंने उस बिल्डिंग में इतना साफ सफाई करके, आज मेहनत करके गटर तक साफ किया, बिल्डिंग में 6-6 मंजिल पे उनको बिना सेफ्टी बेल्ट के चढ़ाया गया। मैं सारा, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको दूंगा ये सब क्यों हो रहा है। और मेरे एडवाइजर साहब से विनती है कि आपके ऑर्डर का ही अवहेलना आपके नीचे अधिकारी कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई सख्ती से कोई सख्ती लाएं, और कोई ऑर्डर ऐसा निकालें जो हमारी ऑर्डर को अवहेलना करे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, तभी ये शायद कर्मचारी बच पाएंगे, नहीं अन्यथा ये कर्मचारी, गरीब कर्मचारी भूखे मरने पे मजबूर है।